हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मंगल कुशवाहा और आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल पेपर। तो साथियों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूँ एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ में। तो साथियों, इस समय दीपावली दीपदान उत्सव का समय चल रहा है। कल दीपदान उत्सव है, आज बोलते हैं यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में छोटी दीवारी और बड़ी दीवारी। तो आज की डेट में है छोटी दीवारी, यानी कि जस्ट कल के दिन में दीपावली, यानी कि दीपमालाओं प्रज्वलित की जाएंगी पूरे भारतवर्ष में। और ख़ास कर उत्तर भारत में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला ये पर्व है। और भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी जो प्रवासी भारतीय हैं वो इस त्यौहार को मनाने का काम करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बुंदेलखंड में इस त्यौहार को लोग कैसे सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं, कैसे मनाने का काम कर रहे हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूँ, बुंदेलखंड का एक जनपद पड़ता है, जनपद जालौन, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और जनपद जालौन के ग्राम आटा में इस समय मैं मौजूद हूँ। और आटा स्टैंड का ये दृश्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चहलकदमी है। और काफ़ी आप देख सकते हैं कि जो कस्टमर बंधु हैं और जो दुकानदार बंधु हैं वो निरंतर यहाँ पर आपको ख़रीदारी करते हुए नज़र आएंगे। तो मैं बारी बारी से आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं और लोग किस प्रकार का लोगों का रिएक्शन है। और लोग इस बार इस त्यौहार को 2023 में दीपावली दीपदान उत्सव को किस प्रकार से सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं, मनाने का काम कर रहे हैं, कैसी उनकी तैयारी चल रही है। तो निरंतर चैनल पर बने रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक फॉलो एवं लाइक ज़रूर कर लें। चलिए चलते हैं आगे। तो इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं कि आटा हाईवे है, आटा स्टैंड है, यहाँ पर ये फोर लेन है और फोर लेन में जस्ट ये चौराहा है। तो चौराहे के आपको दोनों तरफ आपको यहाँ पर दुकानें लगी हुई मिलेंगी। तो ज़्यादातर इस समय जो कि जो मिठाई वगैरह की जो दुकानें हैं और जो मूर्ति वगैरह की दुकानें हैं, क्योंकि दीपावली में ख़ास करके लोग जो गणेश लक्ष्मी का पूजन होता है दीपावली के इस पावन पर्व पर, तो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ की सब जगह ज़रूरत रहती है। तो ज़रूरत को देखते हुए कई दुकानदार बंधु हैं अपनी अपनी दुकानें लगाने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सामने मूर्ति की दुकान लगी हुई है और ये आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहलकदमी है। और सब्जियों की दुकानें खचाखच यहाँ पर लगी हुई हैं। और ख़ासकर दीपावली में जो रंग बिरंगी झड़ी होती है, चाइना लाइटें होती हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी डिमांड रहती है। और जो मिट्टी के दीपक होते हैं, जो दिया जलाए जाते हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस तरीके की यहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आप आटा साइड में आप एंटर करेंगे तो आपको ये प्रवेश द्वार मिलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति द्वार, जो माननीय श्री नरेंद्र पाल सिंह यादव हैं, जो इससे पहले जो विधायक थे उनके कर कमलों के द्वारा ये बनाया गया था। और साथ ही आप जैसे ही आटा में एंटर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आप सामने एक मिठाई की दुकान अभी भी सजाई जा रही है, अभी लगी नहीं है, क्योंकि जस्ट कल दीपदान उत्सव दीपावली मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसमें मिठाई की खासी यहाँ पर बिक्री होने वाली है। तो उस वजह से दुकानें अभी, मिठाई की जो दुकानें हैं वो इस समय सज रही हैं, और जो मूर्ति की दुकानें हैं वो दो दिन पहले से ही सज जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूर्ति की दुकानें पूरी तरीके से यहाँ पर सजी हुई है। और एक इस तरफ सब्जी की दुकानों के बीच बीच में आप देख सकते हैं कि जो दीपावली के इस पावन पर्व पर जो दिए होते हैं, जिनको लोग जलाने का काम, दीप मालाएं बनाने का काम करते हैं, वो इस दिए की दुकान लगी हुई है। और काफ़ी यहाँ पर ये सब्जी की भी दुकानें लगी हुई हैं। और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट है, जो झड़ी है, वो भी बिकने का काम हो रहा है, यहाँ पर देखने का काम कर रहे हैं दुकानदार बंधु। आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद जी। कहाँ से आए हैं? हैं उत्तर गांव से। तो ये दीपक वगैरह आप प्रतिवर्ष बेचते हैं, इसी वर्ष बेच रहे हैं? इसी वर्ष बेच रहे हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है, बिक रहे हैं? अभी बिक नहीं रहे हैं। चलिए, तो जो दीपक वगैरह हैं अभी उनका कहना है, दुकानदार बंधु का कहना है कि
वो अभी नहीं बिक रहे हैं, और एक ये सब्जी की दुकान है और एक ये मूर्ति की दुकान और है। तो अभी हम दुकानदार बंधु से आपको मुखातिब कराएंगे। आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? अजय कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? आटे से आए हैं। तो ये मूर्ति की दुकान प्रतिवर्ष लगाते हैं, इसी वर्ष लगाइए? प्रतिवर्ष लगाते हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स है इस पर? हैं, बढ़िया है, बिक रही है मूर्ति? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक मूर्ति की दुकान है और आप देख सकते हैं, हालांकि आपको एकदम से स्टैंड पर पेंट वगैरह की भी दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, जो कि वानस वगैरह है, और वो यहाँ पर बिक रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेंट वगैरह की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर आए जैसे खचाखच लगी हुई हैं। और कुछ जो दुकानें हैं इस मार्केट में हैं, आपको देखने मिलेंगी जो रंग बिरंगी जो झड़ी हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइट है, रंग बिरंगे बल्ब हैं, और जो चाइना झालर वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, ये आपको ये टंगी हुई है, और साथ ही एक दुकान और है वो आप देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, और इस पर भी टेंट वगैरह पूरी तरीके से लगा करके यहाँ पर डेकोरेट कर किया जाएगा। डेकोरेट करने के बाद में फिर यहाँ पर जो मिठाई है, जो स्वीट्स है, वो यहाँ पर बेचने का काम किया जाएगा कल की डेट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि दुकान लगी हुई है और काफ़ी झालर वगैरह। और एक ये श्री बालाजी हार्डवेयर स्टोर के नाम से एक दुकान है, तो ये दुकानदार बंधु से आपको खातिर बनाएंगे। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? अंकुर गुप्ता जी, इस बार कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दीपावली में खरीदारी ठीक ठाक हो रही है, अच्छे से लोग मना रहे हैं, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दुकानदार बंधु हैं, कुछ कस्टमर बंधु भी यहाँ पर हैं। वैसे आपका स्वागत है, कहाँ से हैं आप? बद्री की। क्या नाम है आपका? यादीन जी। तो इस वर्ष का कैसे आपको जो सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं, दीपावली कैसी, क्या आपकी बढ़िया मन रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया मन रही है। कैसा लग रहा है? बुरी लग रही है। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास जी, बोलो। तो क्या आप ये क्या लेके जा रहे हैं? खीले लेने। खीले जा रहे हैं। तो खीले बिक रही हैं आपकी? बहुत ज्यादा। तो अच्छे से दीपावली मन रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है अभी, ये देखिए ये दुकान है, और साथ ही सामने ये के आयुष किराना स्टोर के नाम से दुकान है। और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, क्या नाम है आपका? आयुष जी, क्या कैसी दुकानदारी हो रही है इस बार? कैसी दुकानदारी हो रही है? बढ़िया हो रही है, चकाचक है। तो इस वर्ष जो है लोगों की दुकानदारियाँ। क्या बेटा, कहाँ से आए हो? उसरगाँव से। आपके दिए वगैरह बिक रहे हैं? बिक रहे हैं। तो दीपक वगैरह है यहाँ पर, लोग इस वर्ष जो दीपावली है लोग अच्छी तरीके से, और एक दुकान है आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं इनके पास। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, क्या नाम है आपका? सूरज जी। मूर्ति तो काफ़ी बड़ी बड़ी आपने ले रखी है, कितने की है ये? 450 रुपये की है। 450 रुपये की है, तो बिक रही है? कैसा रिस्पॉन्स है? बढ़िया बिक रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सूरज जी हैं, इनका कहना है कि जो जो इस वर्ष जो दीपावली है लोग अच्छे तहसीलात के साथ मनाने का काम कर रहे हैं, खरीदारी दबा के कर रहे हैं। और एक ये चाट भंडार के नाम से है, और सामने फास्ट फूड सेंटर के नाम से है, और सामने वही सारी दुकानें हैं जो प्रतिवर्ष साल भर लगती हैं। हालांकि बस कुछ दुकानें क्या है कि जैसे स्वीट्स की दुकान है, और कुछ दीपमालाओं की दुकानें हैं, और कुछ जो फुलझड़ी
झड़ी है, जो इलेक्ट्रिक झड़ियाँ हैं उनकी जो दुकानें हैं काफ़ी कुछ वही दुकानें जिसमें नहीं लगती हैं। और एक ये दुकान अन्नू फुटवेयर के नाम से है, ये दुकानें तो परमानेंट साल भर लगी रहती हैं। और साथ ही एक ये दुकान है, हम दुकानदार बंधु से मुखातिब कराएंगे आपको। आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? दुर्गेश रंजन जी। तो इस बार क्या कैसी खरीदारी हो रही है? ठीक ठाक चल रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप? पदरेगी से। तो इस बार जो दीपावली है उसमें क्या कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरीके से मनाई जा रही है? गाँव में अच्छे से मनाई जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दीपावली मनाने का काम किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ ये दुकानें लगी हुई हैं, और साथ ही एक मूर्ति वगैरह की दुकान है, और काफ़ी कुछ अभी दुकानें लग रही हैं। और एक फल का स्वागत है, क्या नाम है आपका? अरविंद जी। फल वगैरह बिक रहे हैं त्यौहार में दीपावली? ठीक ठाक है। रिस्पॉन्स कैसा है? तो साथियों कुछ इस तरह का यहाँ पर बुंदेलखंड के कस्बा आटा का आटा स्टैंड है, वहाँ का कुछ इस दृश्य मैंने संक्षिप्त शब्दों में वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब मैं साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा रहा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो एवं लाइक ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपसे नमस्कार, बाय बाय।